भितरवार विधानसभा के क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, हरसी नहर के खोले गए गेट। किसानों ने किया मोहन सिंह राठौर का धन्यवाद। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे किसान, श्री मोहन सिंह राठौर ने किसानों का जीता दिल। भितरवार विधानसभा के क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जनसेवक श्री मोहन सिंह राठौर के अथक प्रयासों से आज हरसी नहर के गेट खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र के किसानों को काफी ज्यादा पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा था, जिसके बाद सभी किसानों ने अपनी समस्या को जनसेवक श्री मोहन सिंह राठौर जी के सामने रखा। वहीं समस्या को गंभीरता से लेते हुए श्री मोहन सिंह राठौर जी ने प्रभारी और सिंचाई मंत्री माननीय श्री तुलसी सिलावट जी से ग्वालियर जिलाधीश श्रीमान अक्षय सिंह जी से और सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर हरसी नहर खोलने के लिए सहमति दिलाई और आज हरसी नहर के गेट खोल दिए गए हैं। अब क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल के लिए भी पर्याप्त पानी मिल सकेगा। क्षेत्र के लोगों ने जनसेवक मोहन सिंह राठौर का आभार जताया और आने वाले चुनावों में भाजपा से बनाने के निर्णय लिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए जनसेवक श्री मोहन सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में किसानों को नहर खुलवाने के लिए प्रायोजित फर्जी नौटंकी अब बंद होगी। भाजपा सरकार किसानों की सरकार है, समय पर सबको पानी और खाद मिलेगा। साथ ही कहा कि बहुत प्रसन्नता के साथ हम किसानों से विनम्र आग्रह करते हैं कि धान की फसल के लिए हरसी नहर से हर्षित नहर से छोड़े गए पानी का सदुपयोग करें। अभी पानी उपयुक्त मात्रा में नहीं है, पर आपको लाभ मिले इसलिए निर्णय लिया गया है। ईश्वर से हम आप सब प्रार्थना करें कि पूरे क्षेत्र में अच्छी बरसात हो, हमारे डैम भरे और आगे रवि की फसल के लिए हमें पर्याप्त पानी मिल सके एवं ये नहर किसानों के लिए जीवनदायिनी नहर साबित होगी। इस नहर के गेट खोलने की सहमति दिलाने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय तुलसी सिलावट जी का आभार और धन्यवाद भी है। साथ ही कहा कि सभी क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहूंगा कि समस्या आपकी, संघर्ष हमारा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पूर्व एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनसेवक, साथी, किसान भाई सम्मिलित रहे। भितरवार विधानसभा क्षेत्र और डबरा विधानसभा क्षेत्र, इन दोनों के लिए ये हरसी केनाल जीवनदायिनी है, जिसमें हरसी मेन केनाल और हरसी हाई लेवल। आज प्रशासन से चर्चा करके माननीय तुलसी सिलावट जी जो सिंचाई मंत्री है उनसे बात करके इस नहर को 23 तारीख को 11:30 तक खोला गया है। इसकी घोषणा प्रशासन से संपर्क करके आज से करीबन 15 दिन पहले हम लोगों ने कर दी थी। आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ किसान आए हैं और उन्होंने इस नहर को खोलने और किसानों को धान की फसल के लिए पानी देने के लिए जो आज शुरुआत की है, उससे पूरे किसानों में खुशी की लहर है और आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र में जो धानों के खेत दहलाएंगे उससे इस क्षेत्र में खुशहाली आएगी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हरसी डैम में जो थोड़ा सा पानी का कम लेवल है वो और बरसात हो और ये इतना भरपूर पानी मिले कि ताकि आज इस फसल में भी और रबी की फसल में भी हम पर्याप्त पानी किसानों को उपलब्ध करा पाए। धन्यवाद। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद। जिला जोड़ो संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं।